सिखाएं क्या लिखा। सो गाइज अभी किसी बहुत प्यारे से बंदे ने ये ला के दिया, मनोज भाई ने ला के दिया। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन 100% इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। क्या हुआ? ओ तैनू उड़वे देख लो, लव लेटर है। I hope this finds you in the best of the spirits and high energy. My name is Janvi Shah and I am an ardent fan of SATUL. Ardent का क्या मतलब होता है गुड़िया? मतलब diehard. Diehard. I have been following गलत गलत जगह होते लगा रही everyone closely and have been thoroughly impressed. Yeah. By the success and impact what a beautiful writing you have had on the gaming community in India. This is just to express my deepest admiration and appreciation for the outstanding achievements you have made. From being trolled to winning BMPS trophy exactly a year ago to being the best content group in the world, you have made a memorable journey for everyone. अबे क्या कर रहा है यार, एक ने किसी ये कर रहा है, ये बदतमीजी कर रहा है। मामा को मारो भाई, पढ़ने दो ना बच्चों वाली हरकत है। चुप रहो and will keep doing so. देख लो देख लो भाई, लॉगिन कर ले, खोज ले उसको। गेमिंग इंडस्ट्री हैट्स ऑफ टू थग गोल्डी भाई एंड नॉटल। थैंक यू यार, लव यू। SATUL has not only made the fans proud but paved the way for the next generation gamers. Oh, can you please mention in blogs? Would just like to receive a message that you have got it and you like the painting hai goldie bhai, dekho. Thank you. Just let Rega know that probably he has one of the biggest base for fanboys. Guys likha hai. Oh boy, kya baat hai yaar, kya sexy painting hai. Well, wow. ओनर की कोई इज्जत ही नहीं है। और किसके लिए मिला? आम लेके हम गांव से, केसर नहीं रहे काट के। फिर अभी एक घंटे के लिए रुका था, ऐसा लाए ऐसा लाए कि किसी और के लिए लेके चले गए। और वो किसी और कौन था? क्या मालूम, कोई होगा। कोई होगा, आई डोंट नो मैन। अनिमेश अग्रवाल था। अच्छा कोई और होता ना अगर। हाँ फिर देख लेता, मतलब गोल्डी भाई को देख लेता तू? देख लेता मॉडल। हाँ मैं देख लेता हूँ। और पिंकी, पिंकी बन गए फर्जी के। अबे यार चलना बाल कटवाने भाई, आज बाल कटवाने, कल आज चलेंगे। स्ट्रीम 7:30-8 बजे तक बंद करके फिर फट से चलेंगे। बंसाली तू भी चलेगा बाल कटवाने? हैं नहीं हरीश जी, अरे दो लोगों के बराबर के बाल हो गए हैं तेरे पास। भूखे मर जाओ। अरे खा तू, ये कच्चा नहीं है, देखो ये देखो ये देखो, ये क्या माल है? चूसने वाला है, चूसने वाला, काटने वाला नहीं। मेरे को तो एक्सपर्टीज है, चूसो इसको बस। इधर गोल्डी भाई की थाली रखी थी है। अभी तक गोल्डी भाई को पता नहीं चला, अगर ब्लॉग देखा तो पता लग जाएगा। तो ऐसा रखा था, देखा ऐसा रखा था, देखो देखो ये गोल्डी सर दिखाओ ना क्लोजअप मैन। अरे दिख रहा है यार। तो मेरे को इधर से लगा सिड बैग है, क्योंकि एस आई और ये डी लगा। हाँ मतलब तूने ऊपर का पूरा इग्नोर कर दिया। हाँ ये इग्नोर ही कर दिया। सिड बैग खा लू मैं आपका पराठा? सिड बैग बोला खा ले, मेरे को तो पता ही नहीं था मेरा बना है। मैंने ले लिया दो पराठा, चार पराठा ले लिया। फिर मैंने सोचा दो ही खाता हूँ, छोड़ो दो खा लिया। फिर नीचे जब प्लेट रखने आया ना, तब ऐसा मुंडी गया मेरा। अब मैं फिर प्रे कर रहा था कि गोल्डी भाई खाना ना मांगा। फिर प्लेट रख के जैसे ही ऊपर गया, वैसे ही मनोज भाई को कॉल किया, मनोज भाई खाना गर्म करके लेके आओ। तो गोल्डी भाई को भी तो क्रिमिनल पता नहीं लगा। मैंने पूछा आपने मेरे को दो ही फोटो बना के रखा था क्या? मैंने बोला आपका फोटो आधी खाली है। कोई नहीं, भूखा ही तो था यार तू। कितने साल का है तू? 19 साल का, आम काट के नहीं दे। कोई बात नहीं यार, केक आया उसने जूनियर है ना ललित जी। हाँ। जो हरीश जी के जूनियर है ना ललित जी,
उनको मैंने बोला था उत्तपा बना रही है। उत्तपा में क्या होता है जैसे वो बीच में वो सैलेड होता है, आप दिखाते तुमको मेरे को क्या बना के दिया है, मेरे को ये लोग सीरियसली नहीं लेते यार। ये देखो ये ठीक है, इधर से एंगल से डोसा नहीं दिख रहा, देखो देखो ठीक है, ये दिया है यार मेरे को। क्या दे रहे हैं आप बच्चे को? उसमें बीच में एक टमाटर था उत्तपा के ढाबे, इसको देखना, ये मांगेगा अभी इसको मिल जाएगा। हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है ना ब्रो? अरे मैंने आधे घंटे पहले मांगा हुआ है यार। जब भी मोबाइल पे गेमिंग कर रहा होता है गाइस, माफिया डबल चिन बाहर आ जाती है उसकी, डबल चिन। सो गाइस रात के 4 बज रहे हैं एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा, भाभी ने आप लोगों को ऑलरेडी स्ट्रीम पे बता रखा था और गोल्डी भाई ने भी आज बताया कि वो स्ट्रीम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि दो वीरे हमारे आ चुके हैं मुंबई में। और तुम बेसिकली आए क्यों? तुम्हें मिलने, मॉडल की बर्थडे के लिए आए हो, झूठ मत बोलो। तुमसे प्यार करने? मेरे से प्यार करने? जो लोग हमसे खफा थे उनसे प्यार? ये लो, ये मुझसे नाराज था गाइस, ये मेरे को गोल्डी भाई ने, मैं लेट गया था सोने के लिए, गोल्डी भाई ने कॉल करके बुलाया, ये मुझसे नाराज था, इसको लग रहा था कि मैं पहले इससे जितना प्यार करता था अब उससे इतना नहीं करता हूँ। और ये माँ कसम सच में ये बात सच है। फिर मैंने आके बोला यार कि मतलब इतना बिजी होते हैं कि सुबह कब रात कब कब हो जाता है पता नहीं चलता, सब लाइफ में इतना बिजी है। सभी पार्सल में मसाला डोसा, मैं तो नाराज इसलिए हूँ, मेरे को तो शादी में भी नहीं बुलाया था। और एक वड़ा और एक प्लेट वड़ा वो यहाँ पे डिस्कस नहीं। लेकिन आज जो मजा आया ना, आज हम लोग पूरा अभी तक बैठे हुए थे चिल कर रहे थे। ये तो बताओ एंटरटेनमेंट किसने किया भाई? एंटरटेनमेंट फुल अल्ट्रॉन भाई, पूरा एक एक हमारे अंदर का इलेक्ट्रॉन जगा दिया इन दोनों ने मिलके, अल्ट्रॉन और मावी ने पूरा। अच्छा अच्छा कहानी सुनाया ना पूरा, मावी जितना बेचारे का स्ट्रीम में मारता है उतना आज अल्ट्रॉन आज पर्सनल लाइफ एक्सपोज करी है मैंने इस आदमी की। गोल्डी भाई के सामने पूरा कोर्ट बैठा, हम ज्यूरी थे, गोल्डी भाई जज थे, एक विक्टिम था, ये विक्टिम था बुली का, मैं लॉयर था, सारे विटनेस इसकी तरफ थे। हां सारे विटनेस की तरफ थे, क्योंकि इसका स्टोरी टेलिंग ऐसा था कि लोगों को जो है अपनी तरफ ले गया था, इंप्रेस हो गए मेरे से और जज भी मान गए मेरी, तो मेरी सुनवाई हो गई आज। तो अब बोल दिया गया कि अब से मावी जो है अल्ट्रॉन की कोई बात को जो है लीक नहीं करेगा, वरना हम सब लोग मिलके मावी के सारे इतने साल के राज जो है सब खोल देंगे। कोई राज नहीं है, सोच के बहुत सारी बातें भी पता चली, लेकिन मजा बहुत आया। हम मैं और मर्सी अपनी लाइफ के ऊपर डाउट करने लग गए एक सेकंड को कि हम लोग क्यों है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, असली मजे तो CH और PB में चल रहे हैं चंडीगढ़ पंजाब में। अभी हम लोग इडली सांभर मिसल पाव मेदू वड़ा मसाला डोसा ये सब खा रहे हैं एंड देन फिर उसके बाद गेमिंग हाउस निकलेंगे, चाय हमारी सेट है। ये वाशी का कहाँ पे है ये जगह? रघुलीला मॉल, रघुलीला मॉल के बाजू में भाई, ये रात में खुलता है भाई सेट, भाई खुला रहता है 24 घंटा। तुझे क्यों एक्सपीरियंस है? बहुत लंबा एक्सपीरियंस होल्डर है ये, जैसे शादी कराओ आपको भी लगेगा। मैंने मावी का प्री शादी सीजन भी देखा है, जब वो गेमिंग हाउस में जब रहता था तब जो कॉल पे बात करता तब भी हैप्पी था, अब भी हैप्पी है। लेकिन मैरिज पार्टी पेंडिंग है ऐसे 12 वालों के लिए, ठीक है ना, कभी मिलेगी ठीक है ना, वादा रहा। ये मत बोलना कल के बर्थडे में ले लेंगे, ना पागल हो गया। नहीं नहीं पार्टी मिलेगी, वो अपना पूरा टेंट वेंट लगा के प्लान घर पे बुला के दियो। नहीं नहीं लोनावला जाएंगे, ना ना मैं घर जाके अपनी जगह पे करेंगे, घर जाके पार्टी होगी। गाइस गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे एंड आज क्या तारीख है यार ज़रिफ? आज है 23 तारीख। आज 23 तारीख है, तो आज हमारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज मॉर्टल के बर्थडे का सेलिब्रेशन है एंड हल्की सी आप लोगों को झलक दिखा देता हूँ, वो ये लाइट्स गाइस, लाइट्स लग रही हैं यहाँ पे, इस जगह पे हैप्पी बर्थडे मॉडल आएगा इस पूरी जगह पे, और फिर यहाँ बीच में हमारी मॉडल खड़ी होगी, मॉडल खड़ी होगी, अच्छा मॉडल खड़ी होगी एंड
मॉडर्स और सब लोग आने वाले हैं आज, जितने भी आ सकते हैं, और आज हैवी नाइट की जो है एक्सपेक्टेशंस है। किशन का नया रिक्रूट आया है। नहीं मेरे को बहुत काम धंधा अंदर छोड़ दिया यार, इतना भी करना जरूरी नहीं था यार। नहीं मेरे को आ गया, मतलब ये तो बहुत स्पाइसी खाने का मन। सैलरी पे ठीक है, समझ रहे हैं यार, सैलरी पे हो तुम, सैलरी पे हो तुम। नहीं अब समझ रहे ना, इधर देखो कितनी सारी मैगी बन रही है। हां मेरे को अपने स्टाइल ही खाने के लिए वो तबेला मार ही गया वो पूरा। ये तबेला 20 20 आइटम का मैगी बनाया, और वो ये किसके लिए है सारी जी? ये ओल्ड क्रू के लिए हैं, नए बंदों के। नए कौन से आ गए यहां पर? अच्छा न्यू स्टेट वाला। मैंने देखा है हर बार जब मैं देखता हूँ टेबल पे न्यू स्टेट वाला प्लेयर मैगी खाता है, वो मैगी खाता है, वही तो बोल रहा हूँ, वही हमेशा मैगी खाता है। सुबह सुबह इंसान उठा चाय वाय कुछ नहीं, सीधा मैगी। आज ये सारी नाचेंगी। अभी मैं कल से रिकवरी हो रहा हूँ। हैं कल से रिकवरी हो रही है, फिर रुक जाओ। रिकवरी हो रही है यदि आज रिकवरी नहीं होगी, आज तो फिर से होगा। आज तू भी नाचेगी। मैं तो नाचती हूँ, मेरा काम ही है, चांदनी बार मेरा ही था। बर्थडे बॉय आज बर्थडे। पंखा बंद कर रहा था भाई, हेल्प कर रहा हूँ तुम्हें। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। क्या गिफ्ट चाहिए यार तेरे को? गिफ्ट नहीं दिया यार मैंने अभी तक यार। वन पीस का क्या करेगा यार, कितना करेगा? जरूरत की हर चीज है, या तो वो जीत कर मिल जाती है हाँ। या तो वो स्पॉन्सर से मिल जाती है। ठीक है तो भाई बचा क्या, जो इच्छा है हाँ। अरे इतना प्यार दे रहे मम्मा काफी नहीं है। खुश रहे उससे। अबे साले ये क्या पी रहे सर? हेल्थी ब्रो, डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स क्या होती है? डिटॉक्स ड्रिंक क्या होता है? डिटॉक्स ड्रिंक में शलजम लग रहा है, बीटरूट जिंजर कैरेट और कुछ ठीक है। हेल्थ चीजें हेल्थ इज खून का वेल्थ। देखो मम्मी ऐसे भी पीता हूं गाइस। अपना गोवा वाला 200 300 500 रुपए में सेट डन। पहनने वाला अगर पहने तो 300 का 3 लाख भी लग सकता है भाई। अब लग रहा है नहीं 5 लाख का, जैसे ये मैंने 1500 का पहना है ये 50 रुपए का लग रहा है। बहुत बढ़िया काम है, गुड जॉब। अपनी शादी के बाद क्या हाल है पिंकी जी? बढ़िया। फ्रेम खराब कर रहे हैं यार, बढ़िया है आप? हाउ हैज लाइफ बीन? ऐसा लग रहा है किसी को बेबी सेट कर रहे हो बस। हे भगवान, कंटेंट के लिए बिक गया भाई। कैमरा दे रहे थे तो अच्छा अच्छा तारीफ होता था भाई, जिससे कैमरा निकला। लेकिन ये पिंकी का सेकंड टाइम है ना घर में? हाँ, कल आए थे और लेकिन आज ना फर्स्ट टाइम। देख लो गाइस कैसा सा है यार, ये पहली बार दूसरी बार लेकर आया है बस। एटलीस्ट मैं वाइफ को दो बार बूट कैंप पे लेके आया। आपकी गर्लफ्रेंड कब? भाई मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मैं जरूर लाऊंगा यार मिलवाने सबसे। अरे यार क्या कर रहा है यार माजी यार। ठीक है तो जब जब एसएटीएल शूट में आया करना इसको फौरन चेंज ले आया करना। तो ये क्या करेगी शूट के टाइम पे? कुछ नहीं करेगी, बैठेगी साथ में। अरे और नहीं आएगी तो घर पे क्या, बहुत जो है वो अकेले कुछ करेगी। वो भी है ठीक है ना। अरे यहाँ पे कम से कम बिहाइंड बीटीएस तो देखेगी हमारी बच्चों, है ना, है ना पिंकी? डन सीन है, वादा तोड़ा तो तुझे तोड़ दूंगा। जेंटलमैन्स प्रॉमिस। यस अमित भाई आते तो मजाक चाहिए यार, चुप रहे थोड़ा सही कर दो इसे। मैं आज तक खुद नहीं बैठा हूँ एक बार भी इस पे। यार ये कुछ गड़बड़ हो गया है, पता है बहुत तेज हो रहा है जो भी हो रहा है। आ रहे हो ना, तैयार हो जाओ जल्दी से, नहा लो। तैयारी है, नहाए नहीं नहाए, घंटा नहाए, शक्ल पे दिख रहा है वो, देखो नहाने के नाम पे बाल्टी कर रहा है। नहीं लग रहा बच्चे नहीं खड़े, अपने अपने निकालो कुछ बाले चलते भाई। ये सब भाई पार्टी के वक्त के लिए है भाई, भूख लगी है यार, ट्रैवल करके कुछ बनवा लो भाई। वहाँ पे इतने तरह के नहीं मिलते यार,
ठीक है खा लो। सॉरी नहीं नहीं खा लो यार, खा लो यार। सुनो हम लोग चप्पल ही पहनेंगे। हाँ हाँ मैं तो चप्पल ही पहनूंगा। मैं क्यों जूता पहनूं भाई, अपना स्टाइल नहीं होता। अपना स्टाइल है भाई। बवंडर जब भी नहाया करना तो ड्रायर से थोड़ा सा सेट कर लिया कर। जब भी क्या? क्या अभी तूने आज नहाया? उससे पहले मैंने तेरे को 3 दिन पहले नहाते देखा था। क्या बोल रहा मामा? अबे जब तू तौलिया ही नहीं लाया है घर से तो तू आएगा ही क्या? बात आई है घर पे बिन बुलाए? बुलाकर आई। किसको? बुली हुई आई हूँ। बुली हुई आई हूँ? किससे बुली हुई? बुली होने आई है। अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? हाँ, आप आई। अच्छा लगा। थैंक यू। आप तो आज आप कल वापस? वेरी गुड। पार्टी शार्टी करके। पार्टी शार्टी करके। We say we love, we say we love. Happy birthday to you. Happy birthday dear Naman. Happy birthday to you. आई गिर मत जाइए यार। नहीं मोबाइल का मैं क्या वो? हां बेकरी बॉय। बेकरी बॉय। सब लोग अपने अपने घर निकल चुके हैं और बाकी गेमिंग हाउस वालों ने अपने अपने बिस्तर पकड़ लिए हैं अपनी अपनी वालियों से बात करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अक्षु भी वही कर रहा है और भाई परमन पे अभी है नहीं तो वो लोग रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं एफिशिएंटली। तो अगर आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर से प्यार दिखाना, क्योंकि बस उतनी ही बस ज़रूरत होती है, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं होती। नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी दिखा देना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कल हम लोगों ने मैंने और रेगा का एक बहुत पुराना पेंडिंग है काम, वो कल पूरा करने जाना है हम लोगों को अगर हम लोग सही टाइम पे उठ गए। और बस दैट्स इट। और अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए ताकि कल जल्दी उठ जाएं। 5 बज गए सुबह के। अब सब लोगों को टाटा बाय बाय किया है। सो मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। अनटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर। जो भी चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। हम भी बढ़ेंगे आप भी बढ़ेंगे, साथ में फैमिली बड़ी होती रहेगी। मिलते हैं आप लोगों से कल ब्लॉग में। अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।